झाबुआ जिले में किसानों की मांगों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। यहां पर आम जनता का मुख्य जीवन यापन कृषि कार्य है और यहां पर कृषकों की हालत काफी दयनीय है। जिले में लगातार बारिश होने के कारण खरीफ की फसलों में जलभराव हो गया है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने, बिजली बिलों में माफी और रोजगार उपलब्ध कराने की समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस ने झाबुआ कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया, पेटलावद विधायक वाल सिंह मेड़ा, जोबट विधायक कलावती भूरिया आदि कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। हमारे जिला के माननीय जिला अध्यक्ष कलेक्टर साहब हमारे बीच में आ गए हैं। किसानों की तकलीफ परेशानी को देखकर अपने बीच में कलेक्टर साहब उपस्थित हैं और जो हमारी मांग है उस मांग को उनके सामने रख रहे हैं और अपने महामहिम राज्यपाल के नाम से, प्रदेश की सरकार के नाम से हम लोग ज्ञापन माननीय कलेक्टर को दे रहे हैं। कलेक्टर साहब से अनुरोध है क्या ये ज्ञापन सरकार तक पहुँचा है, क्योंकि किसानों की इतनी हालत खराब, भूखे मर रहे हैं, कई किसान आत्महत्या करने के मूड में बैठे हैं। आप सोयाबीन देख लीजिए, एक भी नहीं लगा, ये सोयाबीन एक भी नहीं लगा, ये देख लीजिए चूड़ा खाली, उड़द खाली और मक्का वाले उधर पीछे, वो सब पूरी मक्का सड़ गई और टमाटर पूरे सड़ गए। और ऐसी हालत में आप पूरे जिले का आप वहाँ पर सर्वे करा के सर्वे दल बढ़ाकर हर खेत पे भेजें, फिर हम सरकार से भी बात करेंगे, विधानसभा में भी बैठेंगे, वहाँ भी इस बात को हम रखेंगे कि हमने माननीय जिला कलेक्टर साहब को दिया था और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ वो मुख्यमंत्री में बताए। ये हम लोग वहाँ जवाब स्वाब करेंगे। सभी हमारे विधायक बाल सिंह कलावती जी हैं, वो वीर सिंह भाई हैं और सब, और सभी हमारे जिला जनपद के सदस्य हैं, सरपंच हैं, पटेल हैं और सब गांव-गांव से आए हैं। आपने कहा था कि मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के, हम डिस्टेंस बना के लाए हैं और आपकी बात हमने मानी, क्योंकि आप हमने पूरी तरह से, क्योंकि पहली बार यहाँ पर आप कलेक्टर बन के आए हैं, क्योंकि आपको यहाँ की स्थिति आप समझने में, तो पहली बार किसान आपको बताने के लिए आए हैं, तो आप कृपया उसको समझें। तो ये मांग पत्र पढ़ के आपको सुनाएंगे, तो आप थोड़ा कृपा करके धीरे से सुने, मोटी 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 बात पढ़ लें, सब सुन ले, नहीं तो राज्यपाल महोदय द्वारा कलेक्टर जिला झाबुआ। महोदय, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एक अजजा बहुल जिला है। यहाँ पर आम जनता का मुख्य जीवन यापन कृषि कार्य एवं मजदूरी से होता है। वर्तमान में यहाँ पर कृषकों की हालत काफी दयनीय है। जिले में वर्तमान लगातार बारिश के कारण खरीफ फसलों में जल भराव एवं कीट व्याधियों का प्रकोप बढ़ गया है। झाबुआ जिले का किसान दोहरी मार पड़ी है। पूर्व में यहाँ पर बारिश देरी से होने के कारण किसानों को दो या तीन बार बोनी करना पड़ गई थी। बारिश की लेट लतीफी से यहाँ फसल बराबर अंकुरित नहीं हुई है तथा जो अंकुरित हुई है उसके पश्चात यहाँ पर खाद की तंगी के काफ़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ा है किसान को। उसके पश्चात भी किसानों की समस्या का अंत नहीं हुआ। तत्पश्चात अत्याधिक बारिश एवं जलमग्न की स्थिति के कारण फसलें खराब हुई, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। जिले में किसानों में शिक्षा का अभाव होने के कारण यहाँ पर फसल बीमा एवं अन्य बीमा संबंधी कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं होने से, किसानों को इस संबंध में जानकारी नहीं होने से भी वे फसल बीमा का लाभ नहीं ले पाए हैं। जिले में फसलें चौपट हो गई हैं। महामहिम आपको विदित है कि असमय हुई अतिवृष्टि से किसानों को बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। बिजली के बढ़े हुए बिलों से जनमानस आहत है एवं जहां कोरोना नामक विश्वव्यापी बीमारी से लोग बेहाल है, यहां रोजगार एवं नौकरी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वहीं बिजली के बिल आम जनता के साथ महंगाई के दौर में कमर तोड़ करने का काम कर रहे हैं। जो बिल पहले 100 रुपये या प्रति यूनिट 100 यूनिट बिल मिलता था, आज 2000 से 5000 रुपये आ रहा है। आम जनता एवं किसान इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। झाबुआ जिले में काफ़ी मजदूर गुजरात पलायन भी करते हैं, पर आज के समय में मजदूरी भी उनको मिल नहीं पा रही है, क्योंकि मनरेगा का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिले में गरीबों को उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त का राशन एवं बीपीएल को कम दाम पर राशन प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे गरीब परेशान है। उन्हें पात्रता पर्ची के नाम से वंचित रखा जा रहा है। अतः महाबीन से अनुरोध है कि प्रभावी कार्यवाही करते हुए समस्त बीपीएल एवं गरीबों का तत्काल राशन
प्रदान करने का प्रसारित प्रचारित निर्देश प्रदान करें। वर्तमान में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जिससे युवा भी परेशान है और कोरोना के कारण बहुत बुरी हालत में है। अतः महामहिम आपसे निवेदन है कि उपरोक्त समस्या को और प्रमुखतः मुआवजे की समस्या को, बढ़े हुए बिजली बिल को और बेरोजगारी और मनरेगा का भुगतान नहीं होने के कारण इन समस्याओं को प्रथम दृष्टि से देखा जाए और किसानों को और युवाओं को जल्द से जल्द आम जनता को राहत पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मांग पत्र पढ़ के सुनाया गया है, हम माननीय कलेक्टर साहब को दे रहे हैं पूरी उम्मीद विश्वास के साथ कि अपने हमारी मांगे सरकार तक पहुंचे और समय पे इसको दिलवाए। और सर्वे अभी करवा दो साहब, और सर्वे वाला भी ये सबकी तरह से मांग दे रहे हैं, जरूरी है। हाथ लगा भाई, विधायक चलो आप कलेक्टर साहब दो शब्द बताएंगे। सुनो भाई सुनो, माननीय महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित करते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ आपने मुआवजे की बात की है और सर्वे की बात की है, सर्वे हमारे जिले में पहले ही चल रहा है। 300 से ज़्यादा टीमें बनाई जा चुकी हैं, सारे अधिकारी हमारे फील्ड में हैं, हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, खेत खेत खलिहान खलिहान घूम रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक रोजगार की बात है, स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए पथकर विक्रेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपया बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाने की कार्रवाई अपने जिले में चल रही है। जहाँ तक पात्रता पर्ची की बात है, 61,000 नए पात्रों को जोड़ने की कार्रवाई हो रही है और लगभग 78% हमने अपनी प्रगति अपने जिले की हो गई है। तो इन सारे ही विषयों को हम लोग शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शासन के मंशानुसार कार्रवाई हम लोग पहले ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे किसानों को यहाँ कोरोना के समय पर यहाँ आने की आवश्यकता है। सब लोग दूरी बना के रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शासन द्वार द्वार पहुँच के खेत खेत पहुँच करके उनका मुआयना कर रहा है और यथाउचित यथोचित उनको मुआवजा जैसे अगर आवश्यकता पड़ती है। आज झाबुआ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किसानों की मांग लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर जाएंगे और वहां पर ज्ञापन देंगे। किसानों की पीड़ा आज सब ये इतने लोग लेके आ रहे हैं, बीज एक दाना भी बीज में नहीं होगा ऐसा सोयाबीन में मक्का में, ऐसी हालत आज बना रखी है। इस अवसर पर आज हमारे यहाँ पर उपस्थित जोबर क्षेत्र की विधायिका सुश्री कलावती जी, हमारे थानला के विधायक भाई वीर सिंह भुरिया जी, पेटलाद के विधायक वाल सिंह मीणा जी, पूर्व विधायक जेवर मीणा जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष रूप सिंह भाई, कार्यवाहक अध्यक्ष हेमचंद भाई और हमारे किसान कांग्रेस अध्यक्ष हमारे नंदू मेन जी और रतलाम जिला के अध्यक्ष भाई राजेश भरावा जी, मंच के ऊपर उपस्थित नेतागण, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एनयूसीआई के पार्षद और सभी उपस्थित साथियों को और बच्चा आइला दो बार अपना झापा थानला पेटलाद के किसान भाइयों को मारो राम राम। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको कही है, क्योंकि फैसला हो जाता कि खैर खेत में सर्वे करो और उनको जितनी नुकसानी हुए एक एक पाई पाई का हिसाब देना चाहिए हो जाता, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल में बैठने से आज मुसीबत में फंस गए। कांग्रेस सरकार के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आते 2-2 लाख कर्जा माफ किया कि नहीं बोलो। हमने कहा थे सरकार आते हमने बिजली का आधा बिल माफ कर देंगे, हमने माफ किया, हमने 100 रुपया से। और झाबुआ के किसान आज यहाँ पर झाबुआ जिले में जमा हुए और उनकी जो पीड़ा उनकी जो परेशानी दो तरफ मार पड़ रही है, एक अतिवृष्टि फसल चौपट, दूसरा कोरोना से कई परिवार मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है, न कोई सर्वे करा रही है, न किसानों को आश्वासन दे रही है, न लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार गारंटी का करोड़ रुपया आ रहा है, वो पैसा कहाँ गया? उस पैसों की भी जांच होना चाहिए, उनको तत्काल रोजगार दें, ये हमारी मांग है। क्योंकि टमाटर की फसल समाप्त हो गई है, मिर्ची की फसल समाप्त हो गई है, हमारे सोयाबीन खपत खत्म हो गया है, उड़दी खत्म हो गया, मक्का खत्म हो गया है, तब वही इनकी जो घर चलाने की दिनचर्या चलाने के लिए वही फसल थी,
वो फसलें खत्म हो गई, तो अब ऐसी स्थिति में हमारा शिवराज जी मुख्यमंत्री भी मौन है और नर्मदा बाई के ऊपर मैया के ऊपर हेलीकॉप्टर उतार के मन कितने फीट पानी जा रहा है देख रहे हैं। पर यह झाबुआ जिले में, अलीपुर जिले में, रतलाम और मध्य प्रदेश के जिलों में जाए और वहाँ जाकर उनको फिर अधिकारी को निर्देश दें, नहीं तो ये तो बंदरबाड़ करेंगे, कुछ का सर्वे करेंगे, कुछ को छोड़ देंगे। पर एक भी किसान छूटना नहीं चाहिए, सभी किसान को उसका लाभ मिले, एक एक पैसे का एक एक दाने का हिसाब इस सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व सरकार भी कांग्रेस की थी, हमने एक दो दो लाख कर्जा माफ किया, लोगों को मैंने बिजली का बिल हाफ किया, 100 रुपया दिया, आज बिजली का बिल भी आ रहा 5-10-20 हज़ार रुपया आ रहा, वो कहाँ से भरेंगे, आज खाने का उनके घर में नहीं है, वो बिजली का बिल आ रहा है और उधर से कई प्रकार के परेशानी है, आज स्कूल में भी सब टीचर है नहीं, मैंने हर तरह से आज लोग परेशानी में फंसे हुए हैं। इसीलिए आज हमने सभी विधायक साथियों ने और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हमने मिल के निर्णय लिया कि हमें झाबुआ जिले के माननीय कलेक्टर को अवगत कराना है, ताकि हमारे दीन दुखी जो अन्नदाता किसान हैं उनको राहत मिले, उनको मदद मिले, इसके लिए आज हम मैदान में आए हैं। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से कहा कि ये हमारी मांग पूरी होना चाहिए, नहीं तो ये झाबुआ जिला जब जब आवाज उठाता पूरे प्रदेश में हंगामा होता है, तब विधानसभा भी होगी तो हम सब वहाँ जा पे के ये आवाज़ हमारी उठाएंगे और एक एक पैसे का हिसाब शिवराज जी को देना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जनता के, किसानों के, आम लोगों की आवाज़ आप ही ऊपर उठाते हैं ईमानदारी के साथ बिना दबाव में। आज यहाँ झाबुआ का मीडिया एक शानदार मीडिया है, तो आज ये आवाज़ हमारी शिवराज के कान तक पहुँचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहता कि पैसों की कोई कमी नहीं आने दूंगा, 20 लाख करोड़ हमने पैसा भेज दिया मध्य प्रदेश, वो पैसा गया कहाँ? 11,700 करोड़ रुपये का रोड बनाए बना दिए, बोले वो रोड कहाँ बने? कांग्रेस चमन रोड बने हुए सारे, आज खड्डे पड़े एक एक फिट के, वो भी पूरे नहीं कर रहे, वो कहते हमने रोड भी 11,000 करोड़ का दे दिया हमने, ये वो कहाँ गया पैसा? उसकी भी जाँच उच्च स्तरीय जाँच प्रधानमंत्री जी करवाए, ये हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे किसान भाई आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लड़ाई में हमेशा आगे आइए, हम आपके साथ हैं, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।